Hi everyone, welcome back to my channel. This is Kani and if you are new to my channel, do subscribe, share and like this video before going out. I hope you all are healthy, happy and safe at home. आप मास्क लगा रहे होंगे, सैनिटाइजर यूज कर रहे होंगे और यू नो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे पब्लिक में. सो आई होप यू आर टेकिंग केयर. सो यू गॉट इट राइट. ये वीडियो है रिपब्लिक डे सेल ऑफर जो पर्पल ऐप पे हो रही है. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है बट आई होप यू कैन एंजॉय दिस. पर्पल ऐप पे हमेशा सेल चलती रहती है बट रिपब्लिक डे सेल और मेजर सेलिब्रेशन डेज पे इसमें पर ऑफर की तरह होती है. मैं हमेशा सेल में प्रोडक्ट्स लेती हूँ. आप भी ये करा करिए, जब भी आपको कुछ लीजिए उसको कार्ट में डालिए और जब भी सेल आए उसे परचेज कर लीजिए. आई गॉट अ लिटिल बिट हैंड्स ऑन एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट. इसमें आपको शैम्पू, स्किन केयर, मेकअप तीनों चीज़ें मिल जाएंगी. अगर आपको पता नहीं है पर्पल ऐप क्या है, पर्पल एक ऐप है जिसके अंदर स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, अप्लायंसेस, फ्रेगनेंस, लग्जरी ऐसे टाइप के कैटेगरी के आइटम्स आपको बहुत अच्छे सेल प्राइस में मिल जाते हैं और स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिविटी सेल. द फर्स्ट कैटेगरी जो मैं बात करने वाली हूँ वो है हेयर केयर के बारे में. रैली ब्रांड शैम्पू और कंडीशनर लिया है. शैम्पू मैंने डैमेज रिपेयर शैम्पू लिया है मोरिंगा ऑयल एंड एविकाडो फ्लेवर में और ये हेयर को नरिश, स्कैल्प को नरिश और रिस्टोर करता है शाइन को. और कंडीशनर मैंने पोल्यूशन डिफेंस कंडीशनर ग्रीन टी और एविकाडो का लिया है जो डिफाई एंड सॉफ्टन्स द हेयर. फ्री और सल्फेट फ्री ब्रांड है और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने यूज़ करा है. ये एक्चुअली इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए. आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस ब्रांड तो मैंने इसका स्किन केयर और हेयर केयर मैंने दोनों ही परचेज किया. आई हैव ट्राइड दिस वंस तो मैं ये कहना चाहूँगी इट्स एन एवरेज काइंड ऑफ शैम्पू. रियली इट्स जस्ट बेसिक एक शैम्पू और कंडीशनर की तरह है. बट अगर आप थोड़ा सा फ्रेगरेंस से थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहते हैं अपने आप को, आपको फ्रेगरेंस वाला पसंद नहीं है शैम्पू और कंडीशनर, तो प्लीज़ इस ब्रांड को बाय मत कीजिए. इसके अंदर फ्रेगरेंस है जो एक्चुअली मुझे ये वाला पोल्यूशन डिफेंस कंडीशनर जो है मुझे बहुत अजीब सी इसकी स्मेल लगी. If you ask me ki if I will purchase the hair care brand, I don't think so. It's just average kind of a shampoo and conditioner. I really didn't like that. But if they change a bit of their formula and other things, maybe I will be trying them next time. But agar aap basic sa shampoo or conditioner chah rahe, you can go for this brand because it's sulfate free or paraben free hai. Mujhe lagta hai shampoos or conditioners jo hote hain wo aapke har individual ka hair type is totally different. To kisi ek bande ko wo cheez suit karti hai, kisi dusre bande ko wo cheez suit nahi karti. It totally a preference based थिंग्स. तो आप जब तक उसे ट्राई नहीं करते आपको वो नहीं होता. मेरी थोड़ी ऑयली स्कैल्प है जो नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है विंटर्स के टाइम पे और रियली फ्रिजी हो जाते हैं मेरे एंड्स ड्यूरिंग विंटर्स. तो इट वाज अ बेसिक काइंड ऑफ शैम्पू कंडीशनर फॉर मी एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट गो फॉर इट एंड इफ यू डोंट सो लेट इट बी, जस्ट स्किप दिस आउट. नेक्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग फॉर द स्किन केयर. आई विल गो फर्स्ट विद द नेचुरली ब्रांड जिनके मैंने अ फेस वॉश और एक फेस डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है. टॉकिंग अबाउट द फेस वॉश, डेली प्योरीफाइंग फेस वॉश विच प्रिवेंट्स पिम्पल्स एंड कंट्रोल ऑयल बैलेंस ये कहते हैं. इसमें टी जी ऑयल है, एविकाडो है और ये भी पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री है. And they are also doesn't have mineral oils, formaldehyde. So, and it says it's suitable for all the skin types. Talking about this face wash, I tried it once and I really liked it. It really lathers up it nicely. It cleans your face. It really removes dirt particles. It kind of glow de deta hai jab aap wash karte ho apna face. Jab aapka dull lag raha hota hai, aap ekdam se wash karte ho, ekdam glowy sa ho jata hai. It gives that feeling. और कभी ये ड्राई नहीं करता, ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है. आई हैव अ रियली एक्ने प्रोन ऑयली स्किन टाइप ड्यूरिंग विंटर्स एंड ड्यूरिंग समर्स एंड ड्यूरिंग विंटर्स आई गेट अ नॉर्मल टू ड्राई काइंड ऑफ अ स्किन ड्यूरिंग विंटर्स एंड इट रियली सूट मी ड्यूरिंग दिस टाइम विंटर्स टाइम. यू कैन गो फॉर इट. आई रियली लाइक दिस एंड आई थिंक सो आई विल परचेज इट. इट वॉजेंट एक्सपेंसिव. सेकेंड स्किन केयर दैट आई गॉट फ्रॉम
Naturally is a pollution defense daily moisturizing cream which protects from micro pollutants and restores the glow. It has red raspberry and avocado. It's a 30 gram product and it's also free from, you know, harmful chemicals. Face cream, I must say. The packaging was so nice. It's a plastic kind of a packaging, but it's looked like a glass packaging. Formula of the cream is light pink shade. Feel like it's like a Lakme one. It's really moisturizing and it has fragrance. And if you doesn't like fragrances, please don't try this out. And if you are sensitive to fragrance too, please don't try it out. But it works well like a normal moisturizer, and like this kind of moisturizer. And for 30 gram of product, it really comes a lot. You can use a lot if you use tiny bit. Really nice moisturizing and really, you know, smooth kind of consistency. You can on daily basis under your makeup and it gives like a really kind of base. I used it today under my makeup and it worked really well under the makeup. So, you know, I give it a thumbs up. Age defining night gel in Bakchuriol. This from Good Vibes brand, and don't know about Good Vibes brand, it doesn't have parabens or harsh chemicals in it, and it's also free from mineral oil. I have been using Good Vibes products from a very long time. When I was in a hostel in the med school, I tried it out during my hostel time as well, and it worked well. Now I'm back in my home from completing my degree, and I'm still in love with this brand. I can't say more words about these brand. It's really affordable, really, and you get an amazing discount on this brand, and the products are really, really good if you're really trying out the, you know, skincare. And if you are using a long time, you will still be loving it. I think so many YouTubers who use luxury kind of skincare, they also sometimes use this brand because it's a really good brand. So going to this Bakchuriol, Bakchuriol is a plant. If you don't know about the Bakchuriol ingredient, is a plant-based retinol derivative kind of thing that helps in your skin aging. I bought this night gel to be used during the night time. It's a gel kind of consistency. You get a lid to cover this up, and you can see this all jelly kind of thing. Nice kind of night gel. So you really need a month or two to really check out these products, which you know says about age defining, and especially Bakchuriol. It's really cooling kind of a night gel and really moisturizing and smooth one. And so I will be using it for a month and then telling you guys about this. And I really like this cooling sensation that it's giving. The second gel that I got from Good Vibes is the aloe vera gel. I used a lot of their gels, especially the aloe vera variety, and it's like so amazing. I got this basic type of gel. I haven't opened it yet because I'm using a aloe vera gel from Plump already. So after using that, I will be opening this up. Aloe vera gel is really good for your whole body thing. You can use it anywhere you like, from hair to your skin to your body. You can use it multiple ways. So always keep an aloe vera gel in your bag or on your vanity. Have a huge aloe vera plant at home. I usually cut a leaf and then apply on my face, or you know, make a serum out of it and use it on my face. It's really good. Aloe vera gels, you know, these aloe vera, there comes a lot of aloe vera gels in the market, but you know, the Plump and the Good Vibes aloe vera, I really, really like these two brands. I have tried only, so I can say about them, not about the other brands. But I have heard a lot that some of the brands, other brands of aloe vera are also really good. Same Good Vibes, I got serum. This is in Dandelion age defining face serum. It says it reduces the appearance of the premature aging signs like wrinkles and, you know, fine lines, and repairs damage and appears in nourishment. I've used a lot of face serums from Good Vibes. I saw this dandelion one
आई हैवन ट्राइड दिस आउट सो आई बॉट इट, सो इसे खरीद लिया ताकि मैं इसे ट्राई आउट कर सकूँ कि ये वाला कैसा है. अब तक फ्रॉम गुड वाइव्स फेस सीरम आई लव्ड एवरी सीरम दैट दे हैड, बट माई फेवरेट वन इज़ द रोज हिप सीरम. आई यूज इट अंडर माई मेकअप एज अ प्राइमर, यू कैन यूज़ दैट टू, सो डू चेक दैट आउट. वो अगर आपने एक फेस सीरम खरीदना है तो वो ज़रूर खरीदना, क्योंकि वो मल्टी मल्टीपर्पज़ है. मुझे लगता है आपके मेकअप के नीचे भी आ जाएगा, आपके नॉर्मल स्किन केयर में भी आप उसे यूज़ कर सकते हो. इट्स लाइक अमेजिंग. सो इट्स दिस डैंडलियन वन मिल्की काइंड ऑफ फेस सीरम है. ओ इट्स लाइक नाइस स्मेल, इट्स जस्ट सो नाइस फ्लावरी स्मेल इट कम गिव्स. ओ बहुत अच्छा है यार ये तो, बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है. आई होप इट वर्क्स लाइक फाइन रिंकल्स. एंड एज यूजुअल आई सेड कि जो ये एज डिफाइनिंग वाले फेस सीरम्स होते हैं या क्रीम्स होते हैं, जब तक आप इसे मंथ और टू रेगुलरली यूज़ ना करोगे आपको यू नो रिजल्ट नहीं देने वाले. यू कैन डू एनी थिंग इट वोंट गिव यू, एक्सेप्ट अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो. बट जो स्किन केयर में होते हैं, इट्स नॉट स्किन केयर में जो रेटिनॉल की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मली कम ही होती है, तो इसलिए आपको मंथ और टू तो आपको यू नो इसको अपने स्किन पे आजमाना ही चाहिए, तभी उसके इफेक्ट के बारे में आप कुछ कह सकते हो. द सेकंड थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम ओके तो गुड वाइब्स का मैंने एक लेमन फेशियल एसेंस भी यूज़ करा है. फेशियल अगर आपको पता नहीं है एसेंस क्या होता है, एसेंस जो होते हैं वो टोनर्स और यू नो सीरम्स के बीच की होते हैं. नॉर्मली बहुत ही लाइट कंसिस्टेंसी का होता है. मैंने लेमन का यूज़ किया बिकॉज आई रियली रियली लाइक लेमन फ्लेवर. मुझे लेमन बहुत पसंद है और ये बहुत लाइट होते हैं. ये जो एसेंस बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और ये गुड वाइब्स का भी यू नो एकदम बहुत लाइट है. देखो बहुत जल्दी ये स्किन में मॉइस्चराइज हो गया है एंड इट्स लाइक रियली रियली नाइस. इस एसेंस के अंदर, इस लेमन एसेंस के अंदर आपको सॉर्बिटॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो एक्ने को प्रिवेंट करने में और स्कार्स को फेड करने में हेल्प करेंगे. एंड इट्स रियली नाइस एसेंस, मुझे बहुत अच्छी. क्विकली देखो कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब हो गया है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस सीरम. और इसकी स्मेल भी लेमनी है बट इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं होती इनके फेशियल सीरम की, आपके हल्की फुल्की होती है. इस पर अप टू 30% तक सेल चल रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लिए गुड वाइब्स के लाइक. तो उसमें से एक लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने गुड वाइब्स का लिया है वो है राइस ब्राइटनिंग शीट मास्क, जो मैंने यूज़ कर रखा है. उनके शीट मास्क भी बहुत अच्छे होते हैं. तो रोज वाला वो मेरा फेवरेट है. राइस वाला कि ये कैसे वर्क करता है, राइस तो आपको पता ही है कितना बेनिफिशियल है. राइस के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके फेस को इतना अच्छा, फेस हो, हेयर हो, हेल्थ हो. यूज इट ऑन माई पैम्परिंग डे कि कब मैं इसे यूज़ करूँगी. तो प्रोडक्ट जो मैंने यू नो बहुत टाइम से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, रीपरचेज कर रही हूँ, फिर यूज़ कर रही हूँ, फिर बाय कर रही हूँ, उसको पता नहीं एक अरसा ही हो गया है, कई साल हो गए हैं जो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ. इस दी बायोटी बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब. ये बहुत अच्छा स्क्रब है. अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक बहुत ही अच्छा स्क्रब चाहिए ना, तो आप प्लीज़ इसे लीजिए आप, क्योंकि ये इसके अंदर जो पपाया के बीज हैं वो बहुत अच्छे और जेंटली आपके यू नो फिज़िकल एक्सफोलिएंट की तरह आपके फेस को इतना अच्छा सा यू नो ग्लो दे देते हैं, इतना अच्छा सा क्लीन कर देते हैं. सारे डर्ट पार्टिकल्स, सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत अच्छे से निकाल देते हैं. और इसके बीज बहुत 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 यू नो अच्छे हैं. बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो मेरे ख्याल से आपको फिज़िकल एक्सफोलिएंट नहीं यूज़ करने चाहिए. आप घर में जो बेसन है ना, आप वो यूज़ कर लीजिए. बेसन बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएंट होता है, वो सेंसिटिव स्किन को कोई हार्म नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही वो एक हमारे होम इंग्रेडिएंट है. वो रियली बहुत इफ़ेक्टिव एक्सफोलिएंट है अगर आपको एक जेंटल फिज़िकल एक्सफोलिएंट चाहिए सेंसिटिव टाइप ऑफ पीपल को. तो बाकी लोग जो कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इस एक्सफोलिएंट को ज़रूर यूज़ करिए. अगर आप ये जो स्क्रब है ये बहुत अमेजिंग है और सारे स्किन टाइप्स के से आप यूज़ कर सकते हैं, तो डू चेक दिस आउट. चीप, इट्स फॉर 140 एंड सेल प्राइस में मुझे इतने का मिल गया, तो बहुत ही बढ़िया डील थी.
मेकअप पे मैंने इस बार इतना नहीं लिया, बट मुझे कुछ लिप शेड्स चाहिए थे जो मैं फिर मेबलिन कैसे ना लेती। मेबलिन पे 50% तक का डिस्काउंट चल रहा था, तो यार आप कैसे नहीं ले सकते मेबलिन के। मुझे उनके लिप शेड्स बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेबलिन के मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने दो लिप शेड मंगवाए हैं जो मैं बहुत टाइम से मंगवाने वाली थी। फर्स्ट शेड इज़ 807 ब्राइट रोज एंड इट्स रियली नाइस। ये मैंने अपने लिप्स पे भी अभी लगा रखा है, इट्स रियली रियली लुकिंग नाइस ऑन माई लिप्स। अगर आप फेयर टू यू नो वीटिश काइंड ऑफ स्किन है आपकी, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए। इनफैक्ट मुझे लगता है डार्क पीपल पे भी अच्छा लगेगा, सभी पे ही अच्छा लगेगा यार कलर। ये बहुत ही प्रिटी शेड है और बहुत ही अमेजिंग है ये शेड। सो दूसरा शेड जो मैंने लिया है वो 676 ईस्ट विलेज रोज़। ये दोनों ही मैट क्रीम लिपस्टिक्स हैं मेबलिन की, और ये शेड भी बहुत अच्छा है। इट्स काइंड ऑफ न्यू पिंकी शेड। ये दोनों ही रोज़ के मिडल टोन्स में आते हैं ये दोनों, और ये बहुत अमेजिंग शेड्स है ये दोनों। एंड हाउ सी हाउ प्रिटी इट लुक्स। ये नॉ फेयर टू वीटिश और यू नो डार्क स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन लोगों के लिए ये शेड्स ना बहुत परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि कई जो शेड्स होते हैं जैसे पिंक में हो या न्यूट्स में हो, वो बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन स्किन टोन पे सूट ही नहीं करते। एंड आई रियली लाइकिंग इट। और ये मेरे लिप्स पे बहुत ड्राई रोज इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो आई विल बी बाइंग इट लाइक एंडलेस टाइम। आई गॉट द शेड दैट आई वांटेड। ओके, सो द नेक्स्ट इज अ लिप ग्लॉस। एंड वाई बी जस्ट लॉन्च देयर न्यू लिप ग्लॉस विद अ ग्लॉसी फिनिश। इट सेज लो टू मीडियम कवरेज, सैटनी फिनिश है, लाइट वेट है, और उससे भी ज़्यादा यार ये बहुत चीप प्राइस में है। हमें यू नो मैंने कितनी बारी यू नो कितनी बारी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पे देखा है, कोई ढंग का लिप ग्लॉस ही नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो चीप नहीं होता यार, वो अफोर्डेबल नहीं होता। और इतना पैसा आप एक लिप ग्लॉस में लगा दो, इट्स लाइक नॉट सो डन विद यू गाइस। अगर आपको बहुत सारे यू नो कलर्स का शौक है तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपको रियली अफोर्डेबल में अच्छी क्वालिटी का, आई थिंक सो आई एम सो हैप्पी विद द NYP दिस ब्रांड विद देयर ग्लॉसी गेटर लिप ग्लॉस। एंड ये जो शेड है आई गॉट इन चेरी क्रश, एंड इट्स सच अ नाइस काइंड ऑफ लिप ग्लॉस। ये बहुत अच्छा है, सैटनी फिनिश है, और यू नो लिप ग्लॉसेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, आपको बार बार अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर आप लिप ग्लॉस लवर है तो आप बार बार इसे लगाओगे, इट्स लाइक लिप बाम को लगाना। तो लाइक डू ट्राई इट आउट। आई एम सो हैप्पी दैट NYP हैज लॉन्च दीज लिप ग्लॉसेस। आई एम गोना बाय देयर होल कलर्स। मुझे लगता है कि मैं तो उनके सारे ही कलर्स कर लूँगी, क्योंकि बहुत ही प्रिटी कलर है ये। पर्पल से यू नो स्किन के हेयर के लिया, तो मुझे एक फ्री प्रोडक्ट मिला, क्योंकि मैंने एक सर्टन अमाउंट के ऊपर शॉपिंग करी थी। तो उन्होंने मुझे दिया है द मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच फेस वॉश विद द विटामिन सी B3 B5 एंड हेलरॉनिक एसिड, जेंटली क्लेंस एंड हाइड्रेट्स। आई हैवन ट्राइड दिस प्रोडक्ट येट, बट देखते हैं। द मॉम्स को अच्छी ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आई विल बी रियली ट्राइंग दिस आउट। द स्मेल इज काइंड ऑफ केमिकलिश, आई मस्ट से। इसकी थोड़ी सी स्मेल केमिकलिश है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेस वॉशेस में थोड़ी सी होती है। अगर उसके अंदर थोड़े बहुत यू नो केमिकल इंग्रेडिएंट्स अगर आप डालते हो ही जाती है यार थोड़ी। अगर इसमें थोड़े से यू नो हेलुरोनिक एसिड वगैरह डालते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्मेल करती है। आई थिंक सो जो इसकी स्मेल है ना, वो किसी चीज़ की स्मेल है, जैसे क्योंकि इसके अंदर असेंशियल ऑयल्स है, पंचोली। आई थिंक सो आई स्मेल पंचोली एंड बर्गामॉट। या आई स्मेल दैट। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें, बर्गामॉट और पंचोली, मैंडेरिन भी है इसके अंदर, लेमन भी है। या इट्स रियली स्मेल लाइक असेंशियल ऑयल है, ये उसी की स्मेल है। तो आई होप इट वर्क्स वेल। ये मैंने अभी ट्राई नहीं करा है, देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। ज़्यादा सा सैम्पल प्रोडक्ट है जो उन्होंने मुझे दिया है। सो दिस
सो दिस हॉल एंड्स हियर नाउ, आई होप यू लाइक इट. तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. मैं जब भी शॉपिंग करूँगी आपसे अपना हॉल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी. सो जल्दी जल्दी वापस आइए, मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखिएगा. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस.